दुनिया के सबसे बड़े 8 गद्दारों की कहानी, दुनिया के ऐसे गद्दार जिनसे महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा भी नहीं बच पाए और कैसे जयचंद ने दिया पृथ्वीराज चौहान को धोखा जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इतिहास के कुछ ऐसे चुने हुए गद्दारों के बारे में जिनकी वजह से भारत ने बहुत बुरे दिन देखे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। नंबर 1, जयचंद। जब जब इतिहास के पन्नों में गद्दारों का नाम याद किया जाता है तो वह नाम जयचंद का है। किसी भी धोखेबाज देशद्रोही गद्दार का नाम सबके जुबां पर आता रहता है। अगर कोई किसी को जयचंद कहकर बुलाता तो लोग उसे गाली मानते हैं। जयचंद कन्नौज साम्राज्य का एक राजा था। वह गहेरवार राजवंश से था, जिसे अब राठौर राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की पुरानी दुश्मनी थी और दोनों के बीच युद्ध भी हो चुकी थी और संयोग से विवाह के बाद ये जयचंद का दामाद पृथ्वीराज चौहान बन चुके थे। उसके दिल में अपमान के तीर चुभ रहे थे। किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज का विनाश चाहता था और भले ही उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जयचंद दिल्ली की समता के लालच में मोहम्मद गौरी का साथ दिया। मोहम्मद गौरी और जयचंद की सेना के आगे पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने जयचंद को मार गिराया। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज दिल्ली सहित और कई राज्यों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भारत में मुस्लिमों का दबदबा और बढ़ना शुरू हो गया। नंबर 2, मानसिंह समकालीन राजद्रोही। मानसिंह और जयचंद के बीच भी गद्दारी की समता में युद्ध हुआ था। एक तरफ जहां महाराणा प्रताप संपूर्ण भारत वर्ष को आजाद कराने के लिए दर दर भटक रहे थे और जंगलों में रहकर घास की रोटियां खा रहे थे और भारत देश को मुगलों से बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे, और वही राजा मानसिंह मुगलों का साथ दे रहे थे। राजा मानसिंह प्रमुख मुगलों के सेना थे और वही मानसिंह आमिर के राजा भी थे। और यही नहीं, महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच युद्ध हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के सेनापति थे। मानसिंह की गद्दारी के कारण महाराणा प्रताप घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने आप में बदले की आग पूरी कर ली थी। जब महाराणा प्रताप अपनी योजना के साथ आगे बढ़े तब अपनी सेना को इकट्ठा करके अकबर के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में जीत हासिल कर ली थी। नंबर 3, मीर जाफर। मीर जाफर को गद्दार कहने के लिए इस्लामिक कट्टरपंथी काफी है, मगर मीर जाफर भी कहना कम नहीं होता, क्योंकि मीर जाफर के ही राज्य में भारत को ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत माना जाता है। मीर जाफर ने अंग्रेजों की मदद से बैकल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट पलाई के साथ मिलकर मीर जाफर ने अपने ही राजा सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और भारत में अंग्रेजों की नींव रखी थी। मीर जाफर वर्ष 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब रहा। माना जाता है कि इसी घटना के बाद भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना का शुरुआत मीर जाफर ने ही किया था, मगर मीर जाफर को मार गिराने के लिए अंग्रेजों ने एक और गद्दार का सहारा लिया और वो मीर कासिम था। मगर मीर कासिम जब तक समझ पाता तो बहुत देर हो चुका था। मीर कासिम ने अंग्रेजों का साथ देकर गलती कर दिया था। तब तक मीर कासिम को भी मार दिया गया। मीर कासिम को 1764 में बक्सर के युद्ध में मीर कासिम को मार गिराया, मगर हर बार की तरह इस्लामिक शासन में एक मुस्लिम द्वारा मंजर रोकने की प्रथा जारी की और मीर सादिक नामक उसके मंत्री ने अंग्रेजों के साथ मिलकर गद्दारी की और दक्षिण भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। मीर सादिक को अंग्रेजों ने भी अपने रास्ते से हटा दिया। नंबर 4, फणीन्द्रनाथ घोष। वैसे ही फणीन्द्रनाथ घोष नामक इस गद्दार का नाम सबसे ऊपर माना जाता है। सैंड्रिस बद्ध कांड और बम कांड में भगत सिंह की गवाही दी थी और इसी गवाही के आधार पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आरोपी बनाकर फांसी की सजा सुनाई गई थी। फणीन्द्रनाथ घोष ने ही सरकारी गवाह के तौर पर पंडित आजाद के सवों के सेना की शुरुआत की थी। फणीन्द्रनाथ घोष गद्दारी से भगत सिंह के साथी को जेल में डाल दिया गया। योगेंद्र शुक्ल और गुलाब चंद्र गुलाली ने 1932 में दिवाली की रात खुफिया रास्ते से भाग निकले। जेल से निकलते हुए उन्होंने गद्दार फणीन्द्रनाथ घोष को सजा देने की कसम खाई थी। इस कसम को पूरा करने के लिए योगेंद्र शुक्ल के भतीजे बैकुंठ शुक्ल ने फणीन्द्रनाथ घोष को मार डाला। वार इतने जानलेवा थे कि फणीन्द्रनाथ घोष चीखते चीखते जमीन पर लेट गया। बेंती अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए फणीन्द्रनाथ घोष की कहानी खत्म हो चुकी थी। बेशक बैकुंठ शुक्ल 6 जुलाई 1933 को हाजीपुर के सोनपुर में गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी पर लटका दिया गया, मगर वह अपना काम बखूबी कर चुके थे। नंबर 5, कांग्रेस। इस नाम पर आप लोगों को आपत्ति हो सकती है। जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद आपको आपत्ति नहीं रहेगी। गद्दारी की बात करे तो भारत की सबसे पुरानी पार्टी को भूल जाए ऐसा संभव है। एक नेता की बात हो तो नाम लिया जाए जिस पार्टी के नेताओं ने समय समय पर देश और हिंदू के पीठ पर खंजर घोपता रहा। उससे किसी व्यक्ति का नाम लेना बाकियों के साथ अन्याय होगा। इसलिए 1885 से लेकर आज तक कांग्रेस के नेताओं का इतिहास दावेदार रहा है, जिसमें नेहरू से लेकर गांधी तक सब नेताओं का दामन हिंदुओं और विश्वासों के खून से रंगे हुए थे। कांग्रेस की नेता
स्वतंत्रता का जो देन है मुख्यतः इस प्रकार है। 1947 में देश विभाजन और कश्मीर समस्या, 1962 चिन चढ़ाई में भारत की पराजय, देश के बंटवारे वाले प्रमाण पत्र हस्ताक्षर नेहरू के थे। सुभाष चंद्र बोस की उस नामी पर चुप्पी साधने वाले नेहरू थे। और इतिहास में ये भी कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद को किसी ने छल से मरवाया तो यह भी कांग्रेस के कोई नेता ही थे। लाल बहादुर शास्त्री और उनकी माँ का जाँच पड़ताल कोई अता पता नहीं की गयी, क्या यह कम है। नंबर 6, मीर सादिक। मीर सादिक के बारे में अगर ये कहा जाए कि अंग्रेज ने इस भारत देश पर कब्जा करने में कामयाब हुए थे तो शायद यह भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मीर सादिक नाम का इंसान किसी दौर के मैसूर की सल्तनत में टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली का खास वजीर हुआ करता था। एक बार की बात है कि मीर सादिक किसी बड़े गलती की वजह से हैदर अली ने इन्हें न सिर्फ बेइज्जत किया बल्कि इसको वजीर की पद से हटाकर महल से भी बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से अब ये दिल ही दिल में हैदर अली और टीपू सुल्तान से बहुत ज्यादा जलने लगा था। कुछ वक्त के बाद बहुत ज्यादा माफी मांगने की सूरत में एक बार फिर से इसको मैसूर की सल्तनत में जगह दे दी गई और टीपू सुल्तान ने इसको बाकायदा इसको अपना खास आदमी बना लिया था। टीपू सुल्तान के दौर में ये इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका था कि इसकी इजाजत के बिना टीपू सुल्तान की महल में एक परिंदा भी पर नहीं मारा करता था। और आखिरकार इसने 1799 में टीपू सुल्तान के साथ उस वक्त गद्दारी की जब वह अंग्रेजों से मुकाबला कर रहे थे, क्योंकि ये पहले ही अंदरूनी तौर पर टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेजों से मिल चुका था। मीर सादिक की इसी गद्दारी की वजह से अंग्रेज टीपू सुल्तान जैसे ताकतवर इंसान को शहीद करने में कामयाब हो गए थे। साथ ही साथ मैसूर नाम की वह सल्तनत भी खत्म कर दी गई थी कि जो उस दौर में अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई थी। मैसूर नाम के इस सल्तनत में पूरी तरह से खत्म हो जाने के बाद अब अंग्रेज भारत पर कब्जा करने के लिए आजाद हो चुका था। नंबर 7, आंध्रे विलासो। इनकी पैदाइश 1901 का रूस के कम्युनिस्ट रेड आर्मी का जनरल और नावियों का खुफिया और ताकतवर आदमी था, यानी जो अंदरूनी तौर पर हिटलर की नाली फोर्ट से मिल चुका था। आंध्रे विलासोप ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा रसिया की कम्युनिस्ट रेड आर्मी में ही गुजारा था और जिंदगी में वक्त वक्त पर बड़ी बड़ी कामयाबी भी हासिल की थी, क्योंकि ये ताकतवर और होशियार जनरल भी माना जाता था। जब यह दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने रूस पर हमला किया था तो आंध्रे विलासोप रूस के उन गिने चुने लोगों में से एक था कि जिन्होंने सबसे अच्छी तरीके से हिटलर का मुकाबला किया था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में अचानक से आंध्रे विलासोप नाम का ये आदमी नाजी फौज के हत्थे चढ़ गया और अपनी जान बचाने के लिए अपने ही लोगों के साथ गद्दारी कर बैठा। अपने ही देश के रूस की कमजोरियों के बारे में बताने लगा। ये आंध्रे विलासोप रूस के बड़े बड़े कमजोरियों के बारे में इसे सब कुछ पता था। इसने हिटलर के नाजी फौज की रूस के खिलाफ जबरदस्त तरीके से मदद किया था। इसके बावजूद भी नाजी ने रूस के खिलाफ फिर भी जीत न हासिल कर सके। द्वितीय विश्व युद्ध में ही हिटलर के हार के बाद आंध्रे विलासोप नाम का ये आदमी अमेरिका के हत्थे चढ़ गया था। अमेरिका ने फौरन आंध्रे विलासोप को रूस के हवाले कर दिया और उसने भी फौरन गद्दारी के जुर्म में सजा सुनाते हुए आंध्रे विलासोप को फांसी की सजा सुनाते हुए गले में रस्सी के फंदा पर लटका दिया गया और इस तरह से दुनिया के इस बड़े गद्दार को खात्मा कर दिया गया था। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूले और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में जरूर शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।